कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के मामले में बड़ा खुलासा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। रेप के बाद गला घोटकर हुई थी ट्रेनी डॉक्टर की हत्या। सुबह 3 से 5 बजे के बीच हत्या की गई। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से हैवानियत के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी। महिला डॉक्टरों की सुरक्षा समेत 3 मांगे रखी गई है। लेडी डॉक्टर की हत्या पर नहीं थम रहा आक्रोश। महाराष्ट्र के रिजन डॉक्टर्स ने आज अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया। पूरे महाराष्ट्र के 8,000 से ज्यादा रिजन डॉक्टर्स हड़ताल पर। बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न के खिलाफ तेलंगाना में विरोध प्रदर्शन। बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों ने विरोध रैली निकाली। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या को लेकर अलीगढ़ में विरोध। तो मेडिकल के जूनियर डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। न्यायालय से की इंसाफ की मांग। कोलकाता महिला हत्याकांड को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार। कहा अगर सीएम ममता चाहती है सीबीआई जांच तो केस को जल्दी सौंपा जाए। लेडी डॉक्टर की निर्मम हत्या मामले पर गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी से मांगा इस्तीफा। कहा महिला होने के नाते ममता को खुद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। हत्या मामले में डमी को अपराधी बनाया गया है, दोषी को छोड़ा जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर लाल किले पर आज फुल ड्रेस रिहर्सल। परखी जाएगी सुरक्षा व्यवस्था की सारी तैयारियां। स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। लाल किले के आसपास की प्रमुख सड़कों पर सुबह 4 बजे से 11 बजे तक आवाजाही के लिए बंद रहेगी। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर ग्रेटर नोएडा में दादरी पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। आने जाने वाले यात्रियों से की जा रही है पूछताछ। स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था पर पूर्वी दिल्ली की डीसीपी अपूर्वा गुप्ता का बयान। कहा ड्रोन से निगरानी की जा रही है, हमने पर्याप्त मात्रा में बाहर से फोर्स की मांग की। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू के उधमपुर और पुंछ जिले में बढ़ाई गई सुरक्षा। अप्रैल से लेकर अब तक इन इलाकों में हो चुके हैं कई आतंकी हमले। स्वतंत्रता दिवस से पहले घाटी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। कठुआ डोडा और उधमपुर से आतंकियों के 8 मददगार अरेस्ट। तो एलओसी पर हाई टेक्नोलॉजी से लेस हथियारों से रखी जा रही है नजर। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर सुनारिया जेल से आया बाहर। 21 दिन की मिली है फरलो। यूपी के कुशीनगर में पुलिस मुठभेड़ में घायल 25,000 का इनामी बदमाश। चोरी की मोटरसाइकिल और हथियार बरामद किए गए। यूपी के सीतापुर में उफान पर शारदा नदी। बाढ़ के खतरे से पलायन करने को मजबूर हुए ग्रामीण। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में गड्ढे में गिरने से 2 लड़कियों की हुई मौत। तो गड्ढे में भरा था बारिश का पानी, पैर फिसलने से गिरी थी दोनों लड़कियां। मुंबई के कोरला स्क्रैप मार्केट में लगी भीषण आग। इलाके में अफरा तफरी। मौके पर पहुंची 4 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। मेरठ में दिन दहाड़े युवक का अपहरण। कार सवार 4 लोगों ने किया अपहरण। तो पुलिस ने करीब 3 घंटे के बाद युवक को बरामद किया। 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। यूपी के बलिया में दुकानदार ने मजदूर पर किया चाकू से हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। फिरोजाबाद के कटफोरी टोल हाईवे पर दर्दनाक हादसा। कार ने स्कूटी में मारी टक्कर। 15 किलोमीटर तक कार में फंसकर घसीटी स्कूटी। पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी। मुजफ्फरनगर में शराब के ठेके पर हुई जमकर मारपीट। ठेके पर मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस वायरल वीडियो की छानबीन में जुटी। बांग्लादेश के गोपालगंज, गोबांधा और नरेल से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी। बांग्लादेश में मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं लोग। हिंदू समुदाय के लोग पहरेदारी करते नजर आए। बांग्लादेश के हालात अमेरिका की नजर। कहा बंद होनी चाहिए हिंसा की घटनाएं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर बोले शेख हसीना के बेटे संजीव वाजिद। कहा हिंसा रोकने में वर्तमान सरकार नाकाम। 5 अगस्त के बाद से 52 जिलों में हिंसा होने की कही बात। ईरान और इसराइल के बीच लगातार बढ़ रहा है तनाव। तो अमेरिका ने इसराइल को भेजा एयरक्राफ्ट कैरियर, परमाणु पनडुब्बी और जंगी जहाज। वहीं चीन का ऐलान ईरान का देगा साथ। इजरायली सेना ने हिजबुल्ला के सैन्य इमारतों पर बमबारी की। हिजबुल्ला द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले लॉन्चर पर भी हमला किया गया।
और चलिए इसी साथ इस बीच की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां मुनव्वर फारूकी ने माफी मांग ली है। दरअसल महाराष्ट्र के कोंकण में रहने वाले लोगों के खिलाफ उनके तरफ से जो टिप्पणी की गई थी उसे लेकर चेतावनी भी दी गई थी नितेश राणे के द्वारा, जो कि बीजेपी के विधायक थे। उनके द्वारा कहा गया था कि हमें उनके घर का पता मालूम है और अगर वो इस तरीके से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे तो उन्हें अंजाम भुगतना होगा। विवाद बढ़ता देख कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने वीडियो बना करके पोस्ट करके माफी मांगी है। उन्होंने अपने वीडियो में क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। गांव वाले पूछते होंगे ना कहां रहते हो, हम बंबई रहते हैं। ये कोकनी लोग बनाते सबको, कोकनी है तुम लोग। इनके गांव वाले पूछते होंगे ना कहां रहते हो, हम बंबई रहते हैं। ये कोकनी लोग बनाते सबको, कोकनी है तुम लोग। और बड़ी खबर आपको बताएं, फारूकी के विवादित बोल पर बीजेपी नेता भड़के हैं। एमएलए नितेश राणे ने फारूकी को चेतावनी दी है। विवादित बोल पर कड़ा एक्शन लेने की बात नितेश राणे की तरफ से कही गई है। कोंकण के खिलाफ जिस तरीके से अभद्र बयान दिया गया था इसे किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये नितेश राणे कह रहे हैं। स्टैंड अप कॉमेडी मध्ये एवढं टिंगल उडवण्याची अगर खाज असेल त्याच्या घरचा पत्ता आम्हाला चांगल्या पद्धतीने माहिती आहे। आता लवकरच त्याला आता मालवणी हिसका असा दाखवतो दाखवायला लागेल की पुढचा स्टँड अप कॉमेडी हा मालवणी करायला मध्ये करायला सुरू करेल। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, विवाद के बाद मुनव्वर फारूकी ने माफी मांग ली है। किसी को दुखी करना मकसद नहीं है, मुनव्वर फारूकी ये कहते हुए नजर आए। माफी मांगी, अपने बयान के लिए माफी मांगता हूं। मुनव्वर फारूकी ने कोंकणी लोगों के खिलाफ जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था उसके बाद नीतीश राणे ने कहा कि चेतावनी दी और सबक सिखाने की बात कही, तो अब मुनव्वर फारूकी ने पूरे मामले पर माफी मांग ली। क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। कुछ वक्त पहले एक शो हुआ था और जिसमें जोक भी नहीं कहेंगे, क्राउड वर्क हो रहा था, ऑडियंस से इंटरेक्शन हो रहा था एंड उसके चलते कोकन के बारे में कुछ बात निकली, लेकिन उसको थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गया है वो चीज लोगों के लिए कि उनको लगता है कि मैंने कोकन के बारे में कुछ बुरा बोला है कि मैंने कोकन का मजाक उड़ाया। तो अगेन मैं यही कहना चाहूंगा कि हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। मैं आप सबसे दिल से माफी मांगता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुनव्वर फारूकी ने माफी मांग ली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, की कोई पहली बार नहीं है जब मुनव्वर फारूकी ने इस तरीके से स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान लोगों का मजाक उड़ाया। उसके पहले वो धर्म के बारे में बोलते थे और अब लोगों के बारे में भी बोलना शुरू कर दिया है। देखिए, मुनव्वर फारूकी का एक न्यू बॉम्बे में तलोजा में कार्यक्रम हुआ था और इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के जो कोंकणी लोग हैं उनके बारे में अपशब्द कहा था, जिसको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा था। पहले शिवसेना जो शिंदे गुट के नेता है उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि जिस तरह से कोंकण के लोग महाराष्ट्र में मुंबई में खास करके और न्यू मुंबई में रहते हैं तो कहीं के लोगों का कहना था कि जिस तरह से इन्होंने एक अभद्र भाषा उपयोग किया है इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लगातार ट्वीट किए जा रहे थे और बीजेपी MLA जो नितेश राणे हैं उन्होंने देर रात ट्वीट किया और कहा कि अगर वो माफी नहीं मांगते तो उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा, उनका पता हमें मालूम है। इसके बाद देर रात को ही मुनव्वर फारूकी ने वीडियो जारी किया और कहा कि हम माफी मांगते हैं, हमारा जो ये जो बयान था किसी को हर्ट करने नहीं था, लेकिन इस सारी चीजों को लेकर सार्वजनिक रूप से मुनव्वर फारूकी ने माफी मांगा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए सत्यप्रकाश। चलिए बढ़ते आगे और बड़ी खबर बताएंगे आपको सुमित। जयपुर में जहां सेना जवान की पिटाई के मामले में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह ने थाने का दौरा किया, घटना को लेकर जयपुर ACP को फटकार लगाई गई है। 5 पुलिसकर्मियों पर जवान के साथ पिटाई का दरअसल आरोप है। सेवा मन में है या दादागिरी है? व्हाई डू यू पुट सच पीपल इन चैनल? मैंने आपको फोन करा मैंने कहा बड़े आराम से कुछ देर में आई नो ही वांट्स टू कंटेस्ट। उसको गाली दी या नहीं दे रहे? कहा भाड़ में जाकर उसको गाली दी या नहीं दी? इसको नंगा करके पूरी सेना में सर्विंग सोल्जर को नंगा करके आपने डंडे मारे, मारे या नहीं मारे बताइए। कोई धैर्य, कोई पेशेंस कुछ है? कोई जनता की सेवा मन में है या दादागिरी है? व्हाई डू यू पुट सच पीपल इन चैनल?
मैंने आपको फोन करा, मैंने कहा बड़े आराम से कुछ देर दिए, आई नो ही वॉन्ट्स टू कंटेस्ट, उसको गाली दी या नहीं दी, कहा बाढ़ में जाकर उसको गाली दी नहीं दी, इसको नंगा करके पूरी सेना में सर्विंग सोल्जर को नंगा करके आपने डंडे मारे, मारे या नहीं मारे बताइए। पुलिस के कुछ कर्मियों ने निर्वस्त्र करके उसको डंडों से खूब पिटाई करी उसकी, ये अत्यंत दुख की बात है और ये एक घिनौनी मानसिकता दिखाता है उन दो तीन व्यक्तियों की जिन्होंने कार्रवाई करी। मुझे राजस्थान पुलिस पर विश्वास है कि वो ऐसी घिनौनी मानसिकता वाले पुलिस कर्मियों की मानसिक जांच भी करवाएंगे, इलाज भी करवाएंगे और कार्रवाई भी करेंगे। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए खतरा है जो ऐसी मानसिकता रखते हैं और वर्दी में भी हैं, जो कानून का पालन कर रहा हो उसके ऊपर वर्दी का ध्वंस दिखाना ये कायरता है। मुझे यकीन है कि राजस्थान पुलिस इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और बात एक और बड़ी खबर की करते हैं, और बड़ी खबर कोलकाता से, जहां डॉक्टर मर्डर केस में रेप की पुष्टि हो गई। जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। डॉक्टर से पहले रेप की गई, दरिंदगी की गई, उसके बाद सुबह 3 से 4-5 बजे के बीच गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई। तो इंसाफ कब मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल है। और अब देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हो गई है, दरिंदगी हुई थी ट्रेनी डॉक्टर के साथ, उसके बाद गला घोटकर उसकी हत्या की गई है। सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच गला घोटकर ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की गई है, इस बात की पुष्टि हो गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां मर्डर से पहले रेप की पुष्टि हो गई है और बताया गया कि 3 से 5 के बीच में वो वक्त था जब हत्या की वाला। इसके पहले भी हमने देखा था रेजिडेंट डॉक्टर सड़कों पर उतरे हुए थे, मांग एक ही है उनकी कि न्याय मिले और इसी के साथ सुरक्षा उनकी पुख्ता की जाए। एक बार फिर से कोलकाता में डॉक्टर आज प्रदर्शन करने वाले हैं, सड़कों पर उतरेंगे और लगातार प्रदर्शन वो ही रहा है। हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं वो तमाम छात्र स्टूडेंट्स और इसी के साथ साथ वो डॉक्टर जो महिला डॉक्टर के सहकर्मी थे उनके साथ थे। दरिंदगी पर उबाल, सुरक्षा का सवाल, दिल्ली, कोलकाता, पटना, चंडीगढ़, प्रयागराज, लखनऊ, ये तस्वीरें सोमवार को हुए देश भर में डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन की है। तस्वीरें गवाह हैं कि कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर इस वक्त डॉक्टरों के अंदर कितना गुस्सा है। दिल्ली हो या पटना, चंडीगढ़ हो या प्रयागराज, सोमवार को पूरे देश के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर सड़कों पर उतरे और उन्होंने लेडी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर केस के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया। हाथों में पोस्टर लेकर दरिंदे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए धरती के भगवान की आवाज पूरे देश ने सुनी। लेकिन सवाल है कि क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या बंगाल में कुछ बदलेगा, क्या वहां की पुलिस और वहां के सिस्टम में कुछ बदलाव आएगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस शर्मनाक और दिल दहला देने वाली वारदात को लेकर पिछले कई दिनों से बंगाल समेत पूरे देश में हंगामा बरपा है, डॉक्टर अस्पताल छोड़कर विरोध में सड़कों पर है, उनकी मांग को लगातार बंगाल सरकार नई नई दलीलें और नई नई तारीखों में उलझाकर रफा दफा करने में जुटी है, जिस पर चौतरफा सवाल उठ रहे हैं। ये बहुत देर कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री, अगर उनको सीबीआई इंक्वायरी करनी है तो बहुत जल्दी देना चाहिए, क्योंकि जो सराउंडिंग्स में प्रूफ रहते हैं वो प्रूफ ज्यादा दिन तक नहीं रहते। हैरानी ये है कि जिस केस की जांच को लेकर बंगाल सरकार और वहां की पुलिस पहले दिन से कटघरे में है, उस मामले की जांच को बंगाल सरकार ने एक बार फिर 18 अगस्त तक के लिए टाल दिया है। डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बीच सीएम ममता सोमवार की सुबह पीड़िता के घर वालों से मिली और उन्होंने कहा कि 18 अगस्त तक अगर बंगाल पुलिस केस सॉल्व नहीं कर पाई तो जांच सीबीआई को सौंप देंगी। सवाल है कि आखिर पहले ही इस मामले में देर कर चुकी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी यह देरी क्यों कर रही है, जबकि विरोध कर रहे डॉक्टर और मेडिकल एसोसिएशन लगातार इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की अपील कर रहा है।
वहीं इस मामले को लेकर आज पूरे देश में हंगामा होना तय है। आज भी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। खासकर दिल्ली और मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में आम लोगों पर मंगलवार का दिन बेहद भारी पड़ने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टरों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस वक्त